बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स कॉन्सेप्ट इम्प्रूवर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज मनी एंड क्रेडिट। एंड ये जो है सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लास्ट वीडियो सेशन में हमने जो है काफ़ी सारे पॉइंट कवर कर लिए थे इस चैप्टर के। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में। इसके अलावा हमने एक टॉपिक जो है स्टार्ट किया था, इसका नाम था मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर भी जो है हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा कि जब जो है मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उस टाइम पे जो है इंडिया में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ग्रेन्स एंड कैटल्स जो थी इन्हें यूज़ किया जाता था मनी के तौर पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे मेटालिक कॉइन्स। मेटालिक कॉइन्स मतलब क्या, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, मतलब प्रीशियस मेटल से जो बने हुए होते थे उन कॉइन्स की यहाँ बात हो रही है, जिसे हम कहते हैं मुद्राएं। अब इनके यूज़ में भी जो है, इन मुद्राओं के यूज़ में भी जो है प्रॉब्लम आने लगी थी। क्या प्रॉब्लम आने लगी थी, ये जो कॉइन्स थे इनके जो फेस वैल्यू थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू जिस मेटल से ये बने हुए होते थे उसके कंपेरिजन में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अब आगे देखो क्या हुआ, जो मेटालिक कॉइन्स का आइडिया था ये तो फ्लॉप हो चुका था। फिर बाद में जाके इन्वेंट हुए हमारे पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जो आज भी हम यूज़ करते हैं, जिसे हम जानते हैं मॉडर्न करेंसी के नाम से। जो ये पेपर नोट्स एंड कॉइन्स थे इन्हें जो है वाइडली एक्सेप्ट किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि ये जो करेंसी थी ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा जो है ऑथराइज थी। इसके अलावा हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं आरबीआई जो है इशू करता है हमारे जो ये नोट्स हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके के सारे पॉइंट हम जो है लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज इसी टॉपिक को, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, करेंसी जो हमारे इसका सब टॉपिक था उसके बारे में हमने पढ़ लिया, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में हम पढ़ चुके। अब इसके अंदर जो है सेकेंड हमारा सब टॉपिक कौन सा है, डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है, डिपॉजिट्स विद बैंक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिमांड डिपॉजिट्स एंड चेक के बारे में। देखो, जो बैंक्स होते हैं, जो बैंक होता है इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। क्या मेन फंक्शन होते हैं, एक तो बैंक जो है हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, एक तो जो हम रुपए जो है बैंक में लेके जाएंगे डिपॉजिट करवाने के लिए वो एक्सेप्ट करता है कौन, बैंक। इसके अलावा हमें लोन प्रोवाइड करने का, लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है बैंक। ये मेन फंक्शन होते हैं दो, किसके, बैंक से। देखो क्या होता है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है हम बैंक में जाते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा कैश होता है उसे डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक में। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बैंक में जाएंगे, अगर ऑलरेडी हमारे नाम पे जो है बैंक में अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, उस अकाउंट में जो है हमारे रुपयों को डिपॉजिट करवा देंगे। अगर अकाउंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने नाम से जो है बैंक में एक अकाउंट खुलवाएंगे पहले, और उसके बाद जो है हमारे जो रुपये हैं, जो एक्स्ट्रा कैश है उसे डिपॉजिट करवा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे देखो क्या बात दे रखी है, क्या पॉइंट दे रखा है, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, जो बैंक होते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं हमारे डिपॉजिट्स को। इसके अलावा बैंक जो है इंटरेस्ट पे करता है हमारे डिपॉजिट्स पे। बैंक जो है, देखो हमें फ़ायदा क्या होगा, हमने जो है अपने रुपए जो है डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, हमें फ़ायदा क्या होगा, पहली बात तो सिक्योरिटी बनी रहेगी। ठीक है, हमारे जो रुपए हैं वो सिक्योर रहेंगे। इसके अलावा क्या फ़ायदा होगा, बैंक जो है हमें इंटरेस्ट पे करता है हमारे डिपॉजिट्स पे। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ब्याज का मतलब क्या, अब देखो इसको सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो, जैसे कि हमने जो रुपए जो है डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, तो बैंक जो है अपने तरफ से कुछ कुछ रुपए जो है उसमें डालता रहता है, कुछ परसेंट जो है रुपए उसमें डालता रहता है। कितने परसेंट, जितने परसेंट वो डालता है उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट। अब देखो जो इंटरेस्ट रेट है, जो हम रुपये जो है डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, और जो जितना इंटरेस्ट जो है हमारा बैंक हमें देता है, ये इंटरेस्ट रेट भी जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट देता है हमारा बैंक हमारे डिपॉजिट पे। ये भी जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स हैं वो, एक तो टेन्योर ऑफ डिपॉजिट क्या होता है कि कितने टाइम के लिए जो है हमने हमारे जो है अकाउंट में ये रुपए डिपॉजिट करवाए हैं और ऐसे कैसे रहेंगे, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो है हमारा कितने टाइम तक है, कितने ईयर्स तक है। ठीक है, एक चीज़ ये, और टाइप ऑफ डिपॉजिट मतलब किस तरीके की डिपॉजिट है। ठीक है, मतलब फिक्स डिपॉजिट है या कौन से डिपॉजिट्स हैं। तो इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं क्या, इंटरेस्ट रेट को। इसके अलावा भी जो अलग अलग बैंक्स होते हैं उनका अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। अब देखो जो हमारा ये सब टॉपिक था डिपॉजिट्स विद बैंक, इसके अंदर आपको जो है टर्म दिख रही होगी, क्या है वो, डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, देखो डिमांड का मतलब यहाँ पे है रिक्वायरमेंट से। इसके अलावा डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, जो रुपए हमने डिपॉजिट करवाए हैं हमारे बैंक अकाउंट में,
ठीक है। रिक्वायरमेंट किसकी? रिक्वायरमेंट हमारे जो रुपए हमने डिपॉजिट करवाए थे बैंक में उनकी, ठीक है। मान लो आज मैं गई बैंक में और मैंने जो है कुछ रुपए जो है डिपॉजिट करवा दिए अपने बैंक अकाउंट में, कल को जो है मुझे उन रुपयों की जो है ज़रूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूँगी? तो मैं जाऊँगी बैंक में और उन्हें रुपये उन रुपयों को जो है विड्रॉ करवा लूँगी, जो रुपये मैंने डिपॉजिट करवाए थे उनको जो है विड्रॉ करवा लूँगी, निकलवा लूँगी, ठीक। तो इसी कारण से जो है डिमांड आने पे जो है हम अपने डिपॉजिट्स को कभी भी निकलवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, इसी कारण से इनको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। तो वही बात लिख रखी है, डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब आगे देखो इसके अलावा क्या दे रखा है, डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर भी एक सेम फीचर होता है जो कि मनी का भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। क्या इंपॉर्टेंट फीचर था मनी का? मनी जो है एक्ट करता है हमारा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारे डिमांड डिपॉजिट्स भी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करते हैं। किस तरीके से? देखो आज के टाइम पे तो जो है सभी जो है वाकिफ होंगे किससे? ऑनलाइन बैंकिंग से। हम बहुत सारी जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन जो है हम पेमेंट्स काफ़ी सारी करते हैं। अगर हमारा बैंक अकाउंट है, हमारा जो है बैंक में जो है अकाउंट है, हम क्या करते हैं डायरेक्टली घर बैठे जो है ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट से किसी और पर्सन के बैंक अकाउंट में जो है रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम UPI कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हैं और पेटीएम कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे जो हैं हमारे पास में ऑप्शन जो हैं अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा भी मान लो आपको जो है ई बैंकिंग फैसिलिटी भी यूज़ नहीं करनी, इसके अलावा जो है आपको जो है कैश के फॉर्म में भी जो है पेमेंट नहीं करनी, फिर क्या करोगे? तो आप जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे हम चेक के थ्रू। अब चेक क्या होता है? देखो आज की जो जनरेशन है उनको तो ये सभी टर्म्स के बारे में पहले से पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को पहले से पता होगा कि चेक क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, इसके अलावा जो है ई बैंकिंग फैसिलिटी क्या होते हैं, गूगल पे क्या होता है, इस तरीके की चीज़ों के बारे में उनको पहले से पता होगा, तो इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बता दूँ चेक क्या होता है, एक पेपर की फॉर्म में होता है। जैसे मान लो जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको एक जो है चेक बुक देता है। अब हर एक के जिसके पास में जो है जिस पर्सन का जो है बैंक अकाउंट है उसके पास में चेक बुक भी होगी। अब देखो आपका अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपके पेरेंट्स का ज़रूर होगा, ठीक है। अपने पेरेंट्स के पास में से जाओ, मम्मी पापा के पास में से किसी के पास भी जाओ और उनको बोलो एक बार चेक बुक दिखाने को, ठीक है, दिखा देंगे। अब मान लो मुझे जो है किसी पर्सन को जो है पेमेंट करनी है चेक के थ्रू, तो मैं क्या करूँगी? अपनी चेक बुक में से जो है एक चेक लूँगी और उसके अंदर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करूँगी, कुछ जो है डिटेल्स फिल करूँगी। क्या डिटेल्स जो है हमें फिल करनी होती है, क्या जो चीज़ें जो है पहले से प्रिंटेड आती हैं उस चेक पे, ये सभी पॉइंट हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम चेक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है चेक का फॉर्मेट देखेंगे। इसके अलावा जो हमारा ये सब टॉपिक था डिपॉजिट्स विद बैंक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नोट्स के थ्रू। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चे, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है और नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट वीडियोज़ जो है आप किन जो है टॉपिक्स पे चाहते हो। थैंक यू।